जांजगीर जिले के ग्राम पोंच में जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए करंट प्रवाहित तार बिछाने के मामले में बलौदा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक नाबालिग है। आरोपियों ने गांव के चारागाह के पास तार बिछाई थी, जिसकी चपेट में आने से ग्रामीण बाल बाल बच गए। दोनों के खिलाफ पुलिस द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा रही है। जांजगीर जिले की बलौदा पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके ऊपर जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए करंट प्रवाहित तार बिछाने का आरोप है। ग्राम पोंच के चारागाह के पास आरोपियों ने 11,000 वोल्ट तार से अवैध रूप से जीआई तार फंसाकर जंगली जानवरों को मारने के लिए बिछाया था, जिसकी चपेट में आने से कई ग्रामीण बच गयी। सूचना मिलने के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे, जहां गांव के जनप्रतिनिधि पहले से मौजूद थे। विद्युत विभाग की शिकायत पर पुलिस भागवत प्रसाद व एक नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। उसमें जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए 11,000 केवी विद्युत तार से बिजली चोरी करके तार का जाल बिछाया गया था, जिस पर शिकायतकर्ता की रिपोर्ट पर थाना बलौदा में 135-139 विद्युत अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें विद्युत विभाग को लगभग 4 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। उक्त मामले में आरोपी राजा राठौर को विधिवत गिरफ्तार करके न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है, एवं एक औपचारिक बालक को संभाल कर बाल संप्रेषण गृह कोरबा में दाखिल किया गया है। मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस द्वारा जरूरी कार्रवाई की जा रही है। मुख्य आरोपी को जहां जेल भेज दिया गया, वही नाबालिग को बाल संप्रेक्षण गृह भेजा जा रहा है। ग्रांडे से न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट।